नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कलायत में केबल नेटवर्क संचालक मनोज शर्मा की जघन्य हत्या। मुख्य शहर में नेशनल हाईवे से कुछ ही दूरी पर स्थित खेत के डेरे के आंगन में आरोपी रीठा ने अवैध हथियार से गोलियां चलाकर की थी। वारदात को 1 अप्रैल की रात्रि को अंजाम दिया गया था। हत्याकांड को राज रखने के लिए रीठा ने घटना के बाद कलायत निवासी सोनू को मोबाइल के जरिए संपर्क साधकर घटना स्थल पर बुलाया। बाद में एक वाहन के जरिए दोनों आरोपियों ने शव को सिरसा नहर में नरवाना के पास फेंका था। कलायत थाने में डीएसपी सज्जन सिंह ने पत्रकार वार्ता में हत्याकांड से जुड़े पहलुओं की क्रमवार जानकारी दी। कलायत थाना प्रभारी बलदेव सिंह के साथ पुलिस की 3 टीमों ने फास्ट ट्रैक कार्रवाई करते हुए हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया। आपको बता दें कि मृतक मनोज शर्मा 1 अप्रैल को रहस्यमय परिस्थितियों में शहर से गायब हो गया था। रात भर सगे संबंधियों और जानकारों से संपर्क साधते हुए युवक की तलाश की जा रही थी, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर 2 अप्रैल को मृतक की पत्नी मोनिका ने कलायत थाने में शिकायत दी थी। इसमें उसने कलायत निवासी रीठा पर संदेह व्यक्त किया था। इस पर थाना प्रभारी की ओर से तत्काल प्रभाव से मोबाइल लोकेशन और दूसरे संसाधनों से तलाश शुरू की। 3 अप्रैल को पुलिस को नरवाना के पास सिरसा ब्रांच नहर में एक शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने मौका मुआयना करते हुए परिजनों से शव की शिनाख्त करवाई तो इसकी पहचान मनोज शर्मा के रूप में हुई। पत्रकार वार्ता में डीएसपी ने बताया कि चिकित्सक बोर्ड की ओर से किए गए पोस्टमार्टम में मृतक के शरीर पर गोलियों के 4 इन और 4 एग्जिट निशान मिले हैं। मृतक के शरीर से जो गोली मिली है वो 32 बोर की पिस्तौल से दागी गई थी। जाहिर सी बात है कि हत्यारे ने ये गोलियां बिल्कुल पास से दागी थी। इस हत्याकांड के संबंध में डीएसपी सज्जन सिंह ने और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। कलायत से हमारे संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। 2 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई थी, जो मृतक है डिसीड है मनोज उर्फ मोजी, इसकी वाइफ ने हमारे को थाने में आके एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि मेरा पति कल यानी कि 1 अप्रैल से लापता है। उसकी कंप्लेंट में हमने एफआईआर दर्ज करी और उसने अपनी कंप्लेंट में ये लिखा था कि आखिरी टाइम मैंने उसको रीठा सरदार के साथ देखा था। और एफआईआर दर्ज करने के उपरांत हमने उसकी तलाश शुरू की और अगले दिन हमें सूचना मिली थाना सदर नरवाना से कि भी एक डेड बॉडी हमें मिली है सिरसा ब्रांच में, जिस पर मैं और हमारे SHO और पूरी टीम मौका पर पहुँचे और वारिसान को साथ लेके उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया। जो बॉडी मनोज कुमार उर्फ मौजी की ही थी जी। तो जब बॉडी का हमने इंस्पेक्शन किया तो उसमें देखा कि उसमें कुछ फायरा इंजरी नज़र आ रही थी, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम में भी हुई। जो इंजरी लगभग 4 थी और जिनका एग्जिट और इन वुंड था, बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया है और आगे हमारे SP श्री मकसूद अहमद जी के दिशा निर्देश पर टीमें गठित की, जो SHO कलायत और उसकी टीम ने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है। अपनी तत्परता दिखाते हुए हमने इसमें रीठा सरदार और उसके साथी सोनू को राउंड अप किया है, उसकी अरेस्ट की है और हमने अब अरेस्ट के उपरांत उनसे गहनता से पूछताछ की जाने, जिसका हम रिमांड अप्लाई करेंगे, कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट को पेश किएंगे, वहाँ रिमांड अप्लाई करेंगे। और प्राइमा फेसी अभी तक ये उन्होंने अपना जुर्म इकबाल किया, कन्फेशन किया है और बाकी गहनता से पूछताछ करने के उपरांत जो भी कोई चीजें होंगी वो आपको बता दें। तो डिप्टी साहब, हत्या हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।